कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली और अहमदाबाद के स्कूलों की तर्ज पर इन होटलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस जांच में जुट गई है। बेंगलुरु पुलिस के DCP साउथ ईस्ट ने होटलों को धमकी भरा ईमेल मिलने की पुष्टि की है। बेंगलुरु के जिन होटलों को धमकी मिली है उनमें द ओटेरा भी शामिल है। ये होटल बेंगलुरु के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों के अनुसार द ओटेरा सहित 3 प्रमुख होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल होटलों में आए हैं। सूचना मिलते ही तुरंत इन होटलों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ जांच शुरू कर दी गई है। बम स्क्वाड और शहर पुलिस की टीमें तीनों होटलों की जांच कर रही हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने ये भी बताया है कि ईमेल में लिखा था कि इमारत में बम रखा है जो कि फटने वाला है। अधिकारी ने ये भी बताया कि IP एड्रेस और ईमेल के अन्य विवरण की पड़ताल की जा रही है। नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि ईमेल जो आया है वो एक गुमनाम जीमेल पते से भेजा गया था और संदेह ये भी है कि भेजने वाले ने VPN का उपयोग किया है जिससे IP एड्रेस का पता नहीं चल पाया। अहमदाबाद के 36 स्कूलों को वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इसी प्रकार से धमकी भरे ईमेल मिले थे। इसके बाद पुलिस ने तमाम स्कूलों की जांच भी की थी। ATS की जांच में पाकिस्तान का लिंक सामने आया था। ये भी सामने आया था कि मेल को पाकिस्तान के पेशावर में कैंट एरिया से भेजा गया है। अहमदाबाद से पहले दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे। तब भी पुलिस ने दिल्ली के स्कूलों की जांच की थी और मौके पर ही बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई थी। तब पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी।